नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब 24 न्यूज। दोस्तों इस समय कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि सीवर मैन जो है उसकी मौत हो गई और करनाल के सेक्टर 13 के अंदर जो है बताया जा रहा है कि उसे कोई दवाई चढ़ गई थी और उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि पूरा कारण जो है वो परिवार से पता लगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं इस समय कि किस तरीके से परिवार के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है गांव नली पार के रहने वाला ये परिवार जो कि करनाल सेक्टर 13 के अंदर जो है काम करने के लिए जाते हैं एक घर के अंदर, और फिर वहां पर उसके बाद जो वो सीवर मैन जिसका नाम बाबूराम है वो साइकिल पर चलता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है बात करने की कोशिश करेंगे और बता रहे हैं कि हुड्डा डिपार्टमेंट के अंदर सीवर मैन जो बाबूराम था और यहाँ पर 50 साल उसकी उम्र थी, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या जो है कैसे उनकी डेथ हुई थी? सर क्या नाम, मेरा नाम अजय है, और जैसे ही मतलब हम दूसरी कंप्लेंट पे आए तो उन्हें चलते चलते साइकिल नहीं खड़े कर पाए, वो चक्कर आ गए उनको, तो मतलब चक्कर इतने आए कि वो गिर गए। फिर उन्हें उठाया मैंने, फिर उन्होंने कहा भाई मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर मैंने उनके चेहरे पे पानी पूनी मारा भाई उन्हें सोदी आ जाए, लेकिन सोदी नहीं आई, हालात ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी। तो फिर मैंने जो जहाँ पे काम किया था, जो मकान मालिक है कोठी के 2370 नंबर, उनको बुलाया, वो अपनी गाड़ी लेके आए, तो पहले तो फिर बलबीर चौधरी के गए, उन्होंने जवाब दे दिया भाई केस है सीरियस। फिर कल्पना चावला में एडमिट कराया और रात उनकी कितने बजे हुई डेथ? 2:30 बजे। इलाज के दौरान 2:30 बजे डेथ हो गई। कैसे उनकी डेथ होने का कारण कैसे मतलब क्या आया अभी तक? अभी तक तो वहाँ पे देखो जी स्प्रे सुप्रे तो कर ही रहे थे वो। स्प्रे कौन सा स्प्रे हो रहा था? काला हिट सर, काला हिट। हाँ जी। क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले हैं, किस डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं? ये जी सर, ये शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर 13 में। नाम क्या है? बाबूराम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? वो नली पार के रहने वाले सर। गांव में हमारे साथ मौजूद हैं आप बेटे हैं, क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ अपील करते हैं फिलहाल आप? एक नौकरी जी, मुआवजा। तो कौन कौन है परिवार के अंदर? एक सिस्टर, दो सिस्टर जी, दो भैया बस, दो भाई। एक की शादी कर रही है, तीन कुंवारे, टोटल चार लोग। कल कितने बजे पहुंचे थे वहाँ सेक्टर 13 में आप? सर इसी ने करवाया था एडमिट। फोन किया था सर? अच्छा, आपने फोन किया? फोन मैंने एडमिट करने के बाद, ट्रीटमेंट शुरू करवाने के बाद मैंने इनको फोन किया था 7:30, 7:45 बजे के लगभग, भाई इनके पास ही उनके भांजे हैं, भाई आपके जो घर का सदस्य उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई है, मतलब शाम को एडमिट करवाया? हाँ जी, हाँ जी, कल रात को। तो आप तुरंत पहुँचे और आके मतलब देखें क्या सिचुएशन है। तो क्या किसी को शिकायत दी आपने? भाई साहब ड्यूटी क्या बजे तक होती है सरकारी बंदे की? ड्यूटी तो 5 बजे तक होती है। फिर आप 7:30 बजे फोन करने लग रहे हैं इनके पास, 7:30, 7:45 बजे एडमिट करने के बाद? एडमिट करने के बाद यार एक बताओ बात है, जब मान लो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है तो उनके घर संदेशन पहुंचाया जाता है आप पे? ऐसा है, मैं कल्ला ही था, एक बताओ ना, बता एक बताओ आप, मान ले एस डी ओ साहब से वहाँ मौके पे आप कह रहे हैं वो तो उनका फोन आया था, फोन करके कोठी में बता रहे हैं, हम कोठी में जा रहे थे साहब की, साहब वो कोठी किसी और की थी, प्राइवेट कंप्लेंट थी। हाँ प्राइवेट कंप्लेंट थी, साहब ने भेजा तो प्राइवेट कैसे होगी भाई? प्राइवेट कैसे होगी जो साहब ने भेजा भाई? तो ले कोठी तो प्राइवेट है, जब भेजा तो हमारे अफसर ने था। आप उन्हें बयान से तरीके से दीजिए सर, ऐसा है मैं सही दे रहा हूं, 18 साल से पीडब्ल्यूडी से हूं, पीडब्ल्यूडी से। क्या मामला है पूरा, क्या आपकी जानकारी? मामला ऐसा है, हमने तो ये पता लगा जनाब बे मतलब भी सवेरी पता गया मतलब 7:05 बजे भी ज़्यादा तबीयत खराब होगी, और मेरा हमने टकने लगे भी उसकी डेड होगी, ठीक है जी। यहाँ पता लगा कि भी मतलब दुआ एसडीओ ने भेजा उस पर कंप्लेंट पे, ई बी साहब कह रहे हैं अभी मेरे सामने उसकी टांगे काम करने से हट गई, ये हो गया। हाँ बिल्कुल, वहाँ मौके पे जो मकान मालिक की कोठी जिसमें पानी मौजूद थी, जो मतलब जहाँ पे हम रुके थे अपनी साइकिल वगैरह खड़ी करी थी, जहाँ पे वो गिरा था, तो वहाँ पे वो जो मकान मालक नहीं है दूसरी, वो मौजूद थी। मैंने उनसे जग मांगा पानी का, उसका मुंह माँ धोया, सिर सर धोया, जिससे मतलब वो ठीक नहीं हुआ, हालात इतने खराब हो गए थे। फिर मैंने फोन करके उनको बुलाया, जहाँ से काम करके आ चुके थे हम। क्या पर्सनल तौर पर भेजा गया था या कोई कंप्लेंट आई थी? नहीं पर्सनल तौर नहीं था सर, वो कंप्लेंट आई थी सर हमारे एसडीओ साहब के थ्रू।
नहीं, क्या दफ्तर में कंप्लेंट आई थी, एसडीओ के पास कंप्लेंट आई थी, एसडीओ का कोई जानकार? हाँ जी, हाँ जी, एसडीओ के जानकार थे वो, तो प्राइवेट कंप्लेंट हुई ना। हाँ जी, हाँ जी, वो ये तो नहीं है ना कि दफ्तर के काम से। कंप्लेंट क्या कंप्लेंट आई थी? सीवर रुका हुआ था उनके घर का। तो जानकारी अभी तक सूत्रों से मिल रही कि सीवर के अंदर वो व्यक्ति जाता है जहाँ उसे गैस? नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं गए सर, बस वहाँ स्प्रे कर रहे थे। ये नहीं पता मतलब किस कारण, मतलब स्प्रे उनके लड़के ने किया था जो मकान मालिक है। हाँ जी, क्या स्प्रे किया था उन्होंने? काला हिट किया था सर, कॉकरोच मारने वाला। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक चीज समझ नहीं आ रही है कि क्या सरकारी काम से गए थे या किसी ने प्राइवेट भेजा था? ऐसा है सर, क्योंकि अफसर अक्सर काम से भेजते रहते हैं, इधर चले जाए उधर चले जाए, ये बता। प्राइवेट काम पे भेजा था, प्राइवेट तो उसकी कोई अलग से दिहाड़ी मिलने वाली थी? नहीं नहीं नहीं, उसका क्या मिलेगा? तो एसडीओ साहब को यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? देखो सर, पता तो है उनको, एसडीओ साहब को, एक्शन को, जई को, सारे को पता। केवल किसने जी? केवल कृष्ण, एचएसवीपी के। हाँ जी, हाँ जी, उनके अंडर वो लगा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने परिवार वाले को, आपने शिकायत नहीं की उनसे? सर यही था मौके पर, यही बताएंगे ना सर, हमारे को तो भी किसको शिकायत करें, हम यही बताएंगे ना कौन था मौके पे। हमको तो बाद में गर्व लगा जी। आप भी बेटे हैं उनके? नहीं, मैं भतीजा हूं उनका। तो आपको शिकायत नहीं करनी है? नहीं नहीं, शिकायत तो करनी है जी, हम तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आके देखो यहाँ बच्चों का हालात देखो, उनके परिवार का हालात देखो, तो आना चाहिए जी उनको, यहाँ पे पहुँचना चाहिए जी, हम तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये है ना कि प्राइवेट कंप्लेंट पर, ये तो सर छुट्टी के टाइम पे खड़े थे ना, और आपको भी पता है सर शाम को किस टाइम गई थी? हाँ जी सर, और बरसात आई हुई थी सर। कितने बजे गए थे उनके घर? ये किस टाइम पहुंचे थे वहाँ पे आप? साढ़े पाँच बजे छुट्टी हो जाती है। 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 5-6 बजे छुट्टी हो जाती है इनकी, तो उसके बाद इनको मतलब बरसात के अंदर ही कंप्लेंट दी गई है। अब सर आप क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? सर कार्रवाई तो ये चाहती है, जो हम कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई होती है, जो स्टाफ की तरफ से होती है, अपना जो इनकी पॉलिसी है उसकी तरफ से सर कार्रवाई की जाए आपके माध्यम से। आपको नहीं नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आया सर, ये तो हमारे ही परिवार खड़ा है सर यहाँ पे, कोई कोई सहयोग नहीं है सर उनको। कोई आप लोगों ने फोन पे बात हुई? इनकी बात हुई है सर, जो भी इनके स्टाफ के फोन मिला सकते हैं आप? मेरे पास तो नहीं है सर, नंबर नहीं है। आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बाबूराम जो व्यक्ति है वो हुड्डा डिपार्टमेंट के अंदर जो कि सीवर मैन था, और बताया जा रहा है छुट्टी के बाद उसे भेजा गया, लेकिन यहाँ पर यह भी जानकारी मिली है कि प्राइवेट काम से भेजा गया था, क्योंकि छुट्टी के बाद का समय था जिसके लिए कोई अलग से दिहाड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। और यहाँ पर फिलहाल परिवार वाले आप देख सकते हैं कि परिवार में उनके 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, और उम्र जो व्यक्ति की जिनकी मौत हुई है बाबूराम की, नलीपार गाँव के रहने वाले, जिनकी छुट्टी के बाद जो है उन्हें काम पर भेजा गया था, और प्राइवेट काम से भेजा गया था, ना कि सरकारी काम से, बता रहे हैं कि सेक्टर 13 के घर के अंदर सीवर की समस्या को लेकर जो है उन्हें भेजा गया था। और अभी सभी लोग परिवार के पहुंचे, और उनका बेटा जो है आप देख सकते हैं वो भी यहां पर बैठा हुआ है। तो फिलहाल यहां पर जो है ये भी बताया जा रहा है कि दवाई जो है एक काला हिट जो दवाई है वो छिड़की जाती है, स्प्रे छिड़का जाता है, जिसके बाद उन्हें दवाई जो है वो चढ़ जाती है, और उसके बाद जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 7 बजे के आसपास परिवार को सूचना दी जाती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो आपको तस्वीर दिखाने का मैं प्रयास करूं, जो बाबूराम है ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर, बाबूराम व्यक्ति जो कि 50 वर्ष की उम्र का, और हुड्डा के अंदर जो है हुड्डा डिपार्टमेंट में सीवर मैन था, और उसके बाद बता रहे हैं कि सेक्टर 13 में बुलाया गया था लगभग शाम के 5:30 बजे, करनाल के सेक्टर 13 में एक घर के अंदर एक सीवर की समस्या थी, जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि परिवार के अन्य लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि फिलहाल ये बता रहे हैं कि छुट्टी होने के बाद जो है उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है काम के लिए। तो उस दौरान वहाँ वो जो कोठी का मालिक है उसका लड़के ने स्प्रे शुरू किया, तो वहाँ से चल रहे हम, 10-15 मिनट हमें आने में लगा 1188 कोठी नंबर की तरफ दूसरी कंप्लेंट पे। तो वहाँ उनको उतरते वक्त चक्कर आ गया, गिर गए, हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने उनको जहाँ काम कर रहे थे उनको बुलाया, वो गाड़ी लेके आए। तो पहले तो हम बलबीर चौधरी के पास गए, उन्होंने कहा भी हालात हैं गंभीर, आप इनको कल्पना चावला ले जाओ। फिर उसके बाद सर हम यहाँ पे एडमिट कराया हमने रात को 7:30-8 बजे, और जिसके दौरान इलाज के दौरान उनकी रात को 2:30 बजे डेथ हो गई, मौत हो गई। तो परिजन कह रहे हैं कि लापरवाही बरती गई और देर में। देखो सर ये तो सर ऐसा है, डॉक्टर तो लगे हुए थे सर, हम क्या बताएं सर आपको, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कहाँ उन्होंने लापरवाही करी, हम अनपढ़ गवार, हमें क्या पता सर इस चीज़ के बारे में।
ट्रीटमेंट डॉक्टरों ने करना है, दवाइयाँ उन्होंने देनी है। आप उनके साथ ही काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। वो तो घरों में आम होता है सर, काला हिट, वो तो आपको पता, आपके भी घर में होगा आम। तो स्प्रे किस तरीके से किया था, जिस तरीके से उनकी मौत हो गई, मतलब क्या मतलब स्प्रे के उन्हें किस तरीके से चढ़ गया, क्योंकि तो आमतौर पे घरों में यूज होता है, तो किस गलत तरीके से इसका इस्तेमाल तो हुआ? सर मैं क्या बताऊँ इस चीज का, तो मेरे को पता नहीं। बाकी मैं अंदर था, थोड़े फासले पे वो था जिनकी डेथ हुई, लेकिन वो स्प्रे करते हुए मैंने अंदर ही कमरे से देखा था उसको। अच्छा, हाँ जी भाई, वो स्प्रे कर रहा था। कमरे में किया गया था? नहीं नहीं, कमरे में नहीं सर, बाहर बरांडे में। बरांडे में? हाँ हाँ, बरांडा जो होता है ना बाहर। हाँ। बाहर और जैसे वो सीवर कहाँ बना हुआ था, जिस सीवर में उनको सफाई करनी थी जो बताया? नहीं नहीं नहीं, सीवर के अंदर कोई नहीं घुसा, वो जो आम घरों के अंदर होते हैं ना छोटे, वो सीवरेज थे, वो वाला सीवरेज। हाँ जी हाँ जी, छोटे घर के अंदर ही बना हुआ था, आंगन में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेड़े के अंदर था, बेड़े के अंदर। हाँ जी, यहाँ पर जो है फिलहाल आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। हालांकि तस्वीर हमने आपको दिखाई है इस व्यक्ति की, जिनकी फिलहाल मौत हो गई है, और फिलहाल यहाँ पर परिवार जो है वो अपनी तरफ से गुहार यही लगा रहा है कि उन्हें मुआवजा ज़रूर मिले, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, और यहाँ पर ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद जो है इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपील करना चाहेंगे उन सभी लोगों से, जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया, जो अभी तक परिवार की तरफ से जानकारी दी गई कि वो 5 बजे के बाद जब छुट्टी हो जाती है उन्हें बुलाया गया था, और SDO साहब ने उन्हें भेजा था। लेकिन फिलहाल इस मामले में आगे क्या तफ्तीश होती है और परिवार किस तरह की जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।